अगर कोई आपको अपनी बीवी को बेचने की सलाह दे कैसा लगेगा। लेकिन बिहार के औरंगाबाद जिले के डीएम सभा के दौरान एक ग्रामीण को कुछ ऐसी ही सलाह देते नजर आए। दरअसल औरंगाबाद के जमहौर पंचायत में डीएम कंवल तनुज स्वच्छता अभियान से जुड़ी एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान वो ग्रामीणों को अपने घर में शौचालय बनवाने के लिए जागरूक कर रहे थे। इसी बीच भीड़ से किसी ने कहा कि उनके पास शौचालय बनवाने के लिए पैसे नहीं हैं। इतना सुनते ही डीएम गुस्से में आ गए, गुस्सा भी इतना कि वो अपनी मर्यादा ही भूल गए और ग्रामीणों से कह दिया कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो अपनी बीवी को बेच दीजिए और शौचालय बनवा लीजिए। डीएम साहब यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि यहाँ कौन गरीब है जो कहेगा कि उसकी बीवी की इज्जत 12,000 रुपए से सस्ती है। कोई ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा कि मेरी बीवी की इज्जत ले लो और 12,000 दे दो। अगर आपकी यही मानसिकता है तो बेच दीजिए अपने घर की इज्जत और कह दीजिए सरकार को कि शौचालय नहीं बनवा सकते। उन्होंने आगे कहा कि लोग शौचालय के लिए एडवांस पैसे की बात करते हैं, लेकिन इंदिरा आवास योजना के तहत जो पैसा दिया गया, कई लोगों ने उन पैसों से बेटी की शादी कर ली और दूसरी चीजों में खर्च कर दिया। डीएम साहब का ये बयान देखते ही देखते अब वायरल हो गया है। इसके बाद डीएम साहब ने अपने बयानों पर सफाई दी और कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। डीएम के मुताबिक घर में टॉयलेट नहीं होने के चलते महिलाओं की इज्जत पर आंच आती है। सरकार शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपए दे रही है, ये रुपए शौचालय बनवाने के बाद मिलते हैं और वो ग्रामीणों को ये बात समझा रहे थे, लेकिन उनके बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।